एक हकीम साहब ऐसे हैं जो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, दूसरों के हमारे वजह से किसी को फ़ायदा पहुंचे, और इसे अगर करते रहें वैसे हम लोगों के जैसे जुड़ते रहें उससे, तो हो सकता है कोई आदमी परेशान नहीं रहेगा यहाँ पर। नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूँ आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, जैसे जैसे सेहत और ज़िंदगी की टीम अलग अलग जगहों पे जा रही है, लखनऊ विज़िट भी हमने किया, और लखनऊ से आगे एक गांव पड़ता है पैतेपुर, जहां पे हमारे एक पेशेंट मौजूद हैं। और ना सिर्फ वो खुद का ख्याल रखते हैं हकीम साहब से जुड़ के, बल्कि बहुत सारे लोगों की खिदमत भी वो करते हैं। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि कितने लोगों की वो मदद कर चुके हैं हकीम साहब के नुस्खों के ज़रिए, और वो खुद को कैसे सेहतमंद बनाए हुए हैं। ये सारी खास बातचीत करने के लिए आज हम उनके घर पे मौजूद हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं अकील अहमद साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आदाब सर, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र है 50 साल। और आप क्या करते हैं? बस हम पहले तो दूसरे काम करते थे, लेकिन जब से बाहर करने लगे यही काम, कि मतलब लोगों की खिदमत करना है, मतलब नुस्खे बताना देना, उनको सही करना, सही रास्ता दिखाना, यानी इसी तरीके धीरे धीरे फिर हम हकीम जी से जुड़े। जी जी। 2 साल पहले से, फिर जब इधर से जुड़े तो जब विदेश से इधर आए तो यहाँ से फिर इनसे रब्ता हुआ, तो वहाँ से जो है जैसे अब हमारे वहाँ बहुत लोग आते हैं कि जैसे किसी का दर्द नहीं जा रहा है, बहुत पुराना से पुराना दर्द है, बहुत मतलब 10 साल से परेशान। जी जी जी। अब इधर उधर वो भटक रहे, कोई इलाज उनको नहीं सा मिल रहा है, फिर उनको हम बताते हैं कि देखो जो है ये इलाज तुम्हारे में चलेगा, जैसे हम मतलब इन लोगों को है जैसे गोंसिया है, कोई पेट का मरीज हुआ फिर उसको देते हैं जैसे तुम्हारा नमक जैतून है, फिर जैसे चिलगोजे का गोंद है, जी जी जी, फिर जैसे जैतून का सिरका है, मतलब शुगर वालों को, हार्ट पेशेंट को वैसे देते हैं। तो इस तरीके से हकीम जी के बहुत मतलब बहुत सारे फार्मूले हैं जो मतलब हम इस्तेमाल करते हैं, उससे लोगों को बराबर शिफा हो रहा है। मतलब चंद दिन अभी तो हमको यहाँ पर आए हुए 4 महीने हुए, मतलब बाहर से आए हुए 4 महीने यहाँ हुए, इंडिया आए हुए, तो हम जब से 4 महीने से आए तब से रात दिन हमारी यही कोशिश लगी हुई है कि हर आदमी को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो इलाज बड़ा नहीं करा सकते हैं कहीं जा करके, मतलब उनको नहीं हो सकता है कि वो 2-4 हज़ार का इलाज कहीं करा लें, तो अब वो कहाँ जाएंगे, तो इसलिए हम उनके लिए खड़े हैं हर टाइम पे इलाज करने के लिए। पैसा है तब भी दवा मंगा के दे देंगे, नहीं है तो अपने पास से इलाज करेंगे उनका, लेकिन उनको सही होना चाहिए बस, जो इस लायक नहीं है। लगभग कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं? हमसे कम से कम इस टाइम में जो है 4 महीने में 1,000 से ऊपर निकल रहा हमारा। 1,000 से ऊपर लोग जिनका इलाज हम करते हैं, मतलब सुबह से लेकर के रात 12 बजे तक हम बैठते हैं एक जगह पे, मतलब ये नहीं कि हमको खाने का टाइम है 2 घंटे बाद आना या हमको टाइम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी टाइम कोई आए हम 24 घंटे रहते हैं एक ही जगह। तो यहाँ पे जब हम आए तो बहुत सारे लोगों से हमने सुना कि आपको वो हकीम हकीम करके बुलाते हैं, हकीम साहब कहाँ आए, तो धीरे धीरे करके जो है हर चीज़ का बदल जाता है, लेकिन हमको ना तो ये कहीं लाने का शौक है कि हकीम जी ना डॉक्टर साहब, हमको बस एक शौक है कि आदमी को फायदा होता चला जाए, बस फायदे से हमारा मतलब है बस। जी, जैसे कि तुम्हारे लखनऊ ब्रांच से हम जो है दवा लेते हैं, ये भाई साहब जो तुम्हारे साथ आए थे वो यहाँ पे बैठते हैं, तो पहले तो हम सऊदी अरब में जब थे हम, तो वहाँ से जो है बराबर इनसे हम रब्ता रखते थे, वहाँ से कॉन्टेक्ट में रहते थे कि भाई फला देखो आदमी आ रहा है, उसको ये इलाज मतलब दवा देना, ये ऐसे ऐसे बता देना, इसे दे देना। इसकी शुरुआत हुई दूसरे तरीके से, जी जी। मतलब शुरुआत इस तरीके से हुई कि हमारे वहाँ जो है बीबी के जो है चक्कर नहीं ख़त्म हो रहा था 6 साल से, यानी 6 साल कंटिन्यू तुम्हारे लखनऊ में कोई हॉस्पिटल बाकी नहीं, जहाँ पर यहाँ तक ऑपरेशन भी कर दिया लोगों ने, यानी जब कुछ नहीं समझ में आया बोले ऑपरेशन करा देंगे, वो भी होगा, लेकिन चक्कर और सर का दर्द नहीं गया कभी। जी जी जी। फिर अपना इलाज हम वहाँ से जैसे करा, तो अब इन लोगों को वो मतलब जैसे कि आयुर्वेद का कोई भी है तो आयुर्वेद का हर आदमी के बस का नहीं कि वो लाए बनाए फिर खाए वो, क्योंकि आदमी इतना नहीं कर सकता है। फिर हमने देखा कि आपका जो है गोंद स्याह, जी जी, इसके बारे में हम सुना, तो हमने कहा यार इसको चेक करते हैं एक बार हम। फिर सबसे पहला जो है मतलब जब हम मंगवाए इनके वहाँ से, तो हमने कहा इसको वहीं से बताया कि इसको आधा आधा ग्राम तुमको खाना है सुबह शाम, इसको खाते रहो फिर देख रहे हैं क्या होगा। फिर वो जब खाना शुरू किया तो जो 6 साल में रिजल्ट नहीं आया, इतना पैसा लगा, इतनी भाग दौड़ लगी, पता नहीं कहाँ कहाँ कितना कितना वक्त गुजारे हम लोग,
तो वो समझ लो कि 2 महीने में हुआ है जी, जी, जी। आज वो घर के ऊपर हैं, अभी हम अपने घर तुमको लेके चलेंगे, उनको भी दिखा देंगे हम। तो जो मतलब पहला तो पेशेंट हमारा ही अच्छा हुआ, आपकी भी चेक हम अपने से ही किए कि सही या गलत, जी 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 ठीक है। उसके बाद शुगर वाले बहुत देखे यहाँ पर, जो बेचारे मतलब उनका कोई इलाज नहीं, रोज़ रोज़ इलाज कर रहे हैं, रोज़ परेशान हो रहे हैं कि आज क्या हुआ, इतनी बड़ी कल इतनी। तो हमने कहा देखो ऐसा नहीं चलेगा, इसमें कोई ऐसा तरीका निकालो जो तुमको महंगा भी ना पड़े और तुम सही भी हो जाओ। जैसे इसी तरीके से हार्ड वाले हैं, फिर जैसे कि बहुत सारे ऐसे हैं जो हम हकीम साहब से देखा कि उसको हम जो भी हमको मिला उनसे, तो हम उसको चेक करने के लिए लगे आ गए कि हम पहले इसको चेक करेंगे तो कोई ऐसे आदमी के ऊपर चेक करेंगे जो अपना ही हो, कि ताकि किसी का 10 रुपये इसमें जाने ना पाए। हमको जब वो हो जाएगा कन्फर्म एकदम, फिर आगे बढ़ाते हैं उसको। तो हम हर चीज़ को अभी तक हम चेक करते चला, कोई भी इनकी दवा कोई भी कुछ भी बाकी हम नहीं रखे जिसको हम चेक नहीं किया। लेकिन सब ये है कि कोई 80% हुआ तो किसी ने 100% हुआ, ऐसा चलता रहा अभी तक। तो इसीलिए यहाँ पर जो है जब आए होंगे तो लोग पूछते होंगे बता, मतलब अभी तो यहाँ कोई पता ही नहीं आप लोग आए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, यहाँ पर इसी दवा से ज़्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं, और वो ठीक करने का काम आप कर रहे हैं हकीम साहब के नुस्खों के जरिए। मतलब नुस्खे से कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे, हमारी इतनी ज़रूरत ही नहीं जो हम कर पाएँ कुछ। मतलब हमारा एक मतलब वो है बीच में लगा हुआ, बाकी फ़ायदा देना ना देना तो ऊपर वाले के हाथ में, हमारा कुछ भी उसमें नहीं है। हमारा काम इतना खाली मेहनत करना है, आदमी को सही रास्ता बता देना है, बस आगे क्या होगा वो ऊपर वाला करेगा, हमारा नहीं है। अगर हमारा होता तो हम सब कर डालते तब तक। जी 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 सही बात है सर। ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि हकीम साहब से आप जुड़े कैसे, यानी कि आपने टीवी में उनका प्रोग्राम देखा, यूट्यूब से आप जुड़े? नहीं, हम असल में जब सऊदी अरब में थे तो हम वहाँ पर यही काम करते थे। मतलब हम अवतार की दुकान, जैसे कि यहाँ उसको क्या बोलते नहीं पता हमको, दुकान को क्या बोलते हैं वहाँ पर, अवतार बोलते हैं। अवतार का मतलब जैसे यहाँ जड़ी बूटी है सब, ठीक है ठीक है। हाँ, वो हमारा वहाँ पर सिस्टम था पूरा मदीने के अंदर, हम 10 साल रहे उसमें, ठीक है। वहाँ से ये सब हमको मालूमात थी पूरी जी। लेकिन अब हम ये सोचा कि यहाँ से जब हम चले जाएंगे, इंडिया जाएंगे, तो इंडिया जाने के बाद हमको कैसे रास्ता मिलेगा? भाई हम तो अप डाउन कर नहीं पाएंगे सऊदी अरब इंडिया का रोड डेली, बस में बहुत पैसा खर्चा होगा अगर 1-2 महीने जाएंगे। तो हम सोचे कि यार इसको अब रिसर्च करते हैं कि देखें वहाँ पर इंडिया में कौन कौन सी चीज़ हमको मिल सकती है। तो इसलिए जब रिसर्च किया तो उसमें जो है हकीम सुलेमान साहब आए। फिर जब इनको हम देखा तो फिर हम रिसर्च करना शुरू किया कि क्या क्या इनका मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं, कौन कौन सी दवा इनकी है, कैसा काम करती है, उस पर फिर ध्यान देना शुरू। तो हम 6 महीने तक तो रिसर्च किया खाली, यानी शुरुआत नहीं किया। जब हम खूब अच्छी तरीके से रिसर्च कर लिया, फिर वहाँ से जो है हम पूरा लोकेशन लखनऊ का और दवा लिख के देना कि ये दवा जा कर के ले लेना, इससे इससे तुमको खाना है। जी जी। तो हम जितना भी वहाँ से मतलब किया उतना ही यहाँ से भी हमारा चल रहा है। मतलब हम वहीं से बैठ के पूरा नेटवर्क चलाते थे, हर मतलब हम थे वहाँ लेकिन मरीज यहाँ हमारे वहाँ था। अच्छा। फिर उसको हम जो है मोबाइल के जरिए देखना, फिर उसको दवा लिख के पर्चा डालना उसी पे कि ये तुम चले जाओ फला जगह पे मिलेगी वहाँ से आप ले आओ। अब उसमें ये होता था कि जैसे ये दवा है तो ये दवा जैसे अभी कोई पंसारी के वहाँ लेने जाए, जैसे यहाँ पंसारी उसको बोलते हैं अवतार वाले को, तो यहाँ जाएगा तो 100-200 रुपये में हो जाएगी वो चीज़। लेकिन अब आदमी को ये तो नहीं पता कि एकदम से इतना पैसा लगेगा, थोड़ी महंगी पड़ती है, महंगी कुछ भी नहीं है। एक दिन की दवा अगर 40-50 रुपये पड़ जाए तो कोई महंगी दवा नहीं होती, उसको महंगा नहीं कहते हैं। तो फिर हम धीरे धीरे उसको बताने लगे कि भाई लाओ ऐसे ऐसे दवा खाओ, इससे इससे आप जो है सही हो जाएंगे। लोग उस पर एतबार करते गए, लोग ठीक होते चले। जी 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 जी। अब उसका ये हो गया नतीजा कि अभी तक बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि मतलब बाहर बाहर से लोग आने लगते, जैसे तुम्हारे लखनऊ से भी आते हैं हमारे पास, फिर इधर संडीला है उधर के भी आते हैं हमारे पास, अलग अलग जगह से लोग आपसे जुड़ने लगे। हाँ, दूर दूर से जुड़ने लगे, जबकि हमारा कोई भी नेट के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा है ना, हम अपना कोई ऐसा वो रखते हैं सिस्टम जिससे कि लोग हमको जाने। मतलब हम अपनी पहचान नहीं इस तरीके से नहीं बना करना चाहते, पहचान हम उस तरीके से बनाना चाहते हैं लोगों से फ़ायदा, वो खुद हमारी पहचान आगे कराया जा करती है, हमको नहीं कराना किसी से। तो हकीम साहब से जुड़ के अब आपको कैसा लगता है सर? हमको बहुत अच्छा ये लगता है कि देखो इनसे जुड़ने के बाद में हमको ये लगा कि जैसे कोई गरीब भाई परेशान है, इलाज नहीं कर सकता महंगा, तो उसका रास्ता इसमें है हर आदमी का। वो छोटे आदमी का भी है, बड़े आदमी का भी है, गरीब है वो भी कर लेगा इलाज, पैसे वाला है वो भी कर लेगा। जी 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 जी। यानी हर आदमी का इलाज है।
और इलाज होने के बावजूद ये भी हमको पता है कि अगर नहीं 100% तो इसका 80% तो रिजल्ट आना जाना है, मतलब इसका पैसा जाया नहीं जाएगा। तो इसलिए हम इस पर ज़्यादा जोर डालते हैं कि देखो भाई इस हिसाब से चलो कि जो है तुमको फ़ायदा भी हो, ज़्यादा पैसे भी तुम्हारे ना जाएँ, ये मकसद हमारा रहा अभी तक। तो गांव के लोग कितने आपसे मुतासिर रहते हैं, गांव के जितने लोग बहुत लोग यहाँ के रहते हैं जी जी, तो उनको गांव के लोग आपकी दवाइयों का इस्तेमाल तो करते ही होंगे जो हकीम साहब बताते हैं और फिर वो आगे पहुंचाते हैं। मतलब ये कोई ज़रूरी ही नहीं कि हम अपने पास से ही दवाई दे दें किसी को, मतलब ऐसा नहीं कि हम ही दे दें उसको, अगर उसको बताने वाली कोई इसी चीज़ है उसको एक पर्चे पर लिख के दे दिया जाओ भाई उसके पंसारी को वहाँ से ले लो जा करके इसी से बना करके खा लेना। हम वो भी समझे कि अगर इसके पास 100-200 रुपए भी नहीं हो पाएंगे और यार ये परेशान हमको कुछ दिख रहा है या इसका नहीं भाई इलाज चाहिए, परेशानी पैसे जेब में नहीं इससे नहीं मतलब, लेकिन इलाज चाहिए टाइम पर वक्त पे, उसके लिए हम खड़े हैं हर टाइम पे किसी भी टाइम को या कुछ भी है। हाँ पैसे वाला है लिख दिया जाओ भाई लखनऊ में पता एड्रेस है ये पता है ले लो जा करके, लेकिन अब उसमें क्या है उसमें जब जाओगे तो 2-4 हज़ार रुपये जैसे सब कई तरीके की दवा तुमको लेना है यार भाई हमारा पेट भी नहीं सही रहता, हमारे शुगर भी है, हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता रहता है, दर्द से हम परेशान हैं। तो जब ऐसा होगा तो भाई ज़्यादा पैसे उसमें खर्चा हो तो आदमी सोचता है कि यहीं से थोड़ी थोड़ी दवा लेकर खा ले। सर आप जैसे कि लगभग 1000 लोगों की मदद कर चुके हैं हकीम साहब के नुस्खों के ज़रिए, तो कभी आपको ऐसा भी लगा कि मार्केट में या फिर कभी आपने ऑनलाइन मंगानी चाहिए हो दवाइयाँ या फिर कोई नुस्खा जो हकीम साहब ने बताया तो आपको नकली मिल गया हो या सीधे ही आपने हमारे क्लिनिक से कांटेक्ट किया? देखो हम कभी भी दवाई अगर लेने जाते हैं कोई भी अगर दवा लाएंगे अगर अपने वहाँ से हम दे रहे हैं तो हम खुद अपने हाथ ही से खरीद के लाएंगे, किसी के हाथ की नहीं लेंगे, ना कभी हम पिसा हुआ पाउडर लेंगे किसी से। जैसे हम किसी से बोल दिया कि जाओ फला चीज ले आओ जा करके, अब उसको नहीं मालूम कभी देखा नहीं तो उसको क्या पता है क्या चीज़ है, वो आम लेने का इमली पकड़ा देगा वो भी तब भी समझेगा ये आम ही होगा उसने लिखा है। तो इसलिए हम खुद देखते हैं कि इसमें वो ओरिजिनलिटी है, इसमें कोई क्वान्टिटी बची है कि नहीं बची है, कैसे ये हमको पकड़ा देगा हम ले जाएँ तो लोगों को फ़ायदा भी नहीं करेगा। तो इसलिए जैसे हम लखनऊ खुद एक महीने में एक बार जाते हैं खाली, बस एक महीने में एक बार जाते हैं, तो उस हिसाब के जैसे आपके क्लिनिक पे वहाँ हकीम सुलेमान साहब के उस पर पहुँचे जा करके ब्रांच के ऊपर वहाँ से जो दवाई लेना लिया, फिर उसके बाद आया और जो भी अपने को लेना हुआ वो लिया चले आए, फिर उस तरीके से हम बना के देते रहे। और अगर हम किसी को लिख के देते हैं आयुर्वेदिक में कोई जड़ी बूटी तो उसको हम ये बताते कि देख भाई ले करके फिर हमारे पास आ जाना, इसको दिखा देना एक बार हमको, ऐसा तो नहीं कि तुमको हम बताया कुछ देगा तुमको पता नहीं इसके बारे में, तुम आप बाद में बोलोगे यार अभी फ़ायदा नहीं कर रहा। तो हकीम साहब के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे, वो हाँ, आपका ये इंटरव्यू सुन रहे हैं? हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं जितनी भी वो खिदमत कर रहे हैं, मतलब आज के दौर में ये है कि आज मतलब कोई किसी को नहीं देखता है, वो ये समझ रहा है कि जो है हम जो भी करेंगे हमारे लिए है, लेकिन एक हकीम साहब ऐसे हैं जो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी थोड़ा कर रहे हैं कि दूसरों के हमारे वजह से किसी को फ़ायदा पहुँचे, तो वो जो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसे अगर करते रहें वैसे हम लोगों के जैसे जुड़ते रहें उनसे तो हो सकता है कोई आदमी परेशान नहीं रहेगा यहाँ के। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपके घर आके और ये भी जान के कि अब ना सिर्फ आप अपनी मदद करते हैं उन नुस्खों के ज़रिए जो हकीम साहब से आप जानते हैं, बल्कि 500,000 और अलग अलग जगहों के लोग भी आप तक आते हैं वो नुस्खे जानते हैं। हर टाइम पे कि कोई ऐसा मिले जो परेशान है बीमार है तो उसका हम इलाज करें, हमको जब वो बोलता है कि हम सही हुए हैं तो हमको बहुत खुशी होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए। तो दर्शकों आप सभी ने सुना अकील अहमद साहब को कि अकील अहमद साहब पहले अपने घर पे ही उन्होंने अपनी बीवी की जो बीमारी है उसके लिए हकीम साहब का नुस्खा इस्तेमाल किया, जब उन्हें आराम मिल गया तो उनके अंदर एक सेवा भाव आया कि अब और लोगों की भी उनको मदद करनी है, और आज हमने उनके घर पे बैठकर ये जाना है कि 500-600 लोग नहीं 1000 लोगों की वो खिदमत कर रहे हैं उन नुस्खों के ज़रिए जो वो लगातार जान रहे हैं हकीम साहब से। तो ये नेक कार्य आपको भी करना है, आप लोग भी हकीम साहब से जुड़ सकते हैं, सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम का आप हिस्सा भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ही कोशिश करनी होगी। अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है, आप लोग भी हमें आमंत्रित कर सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।